दलीप सिंह राणा, जिनको हम रिंग में द ग्रेट खली के नाम से जानते हैं, जो कि एक पेशेवर रेसलर है और जो WWE में भी रेसलिंग कर चुके हैं। इसके साथ ही वो अभिनेता भी है और वह WWE इतिहास में विश्व हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय भी हैं। और ऐसे में NNIA स्पोर्ट्स के साथ एक एक विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि उनकी डेब्यू फाइट लीजेंड अंडरटेकर से हुई थी और उन्हें हरा दिया था, तो वहां सब लोग शॉकेड हो गए थे। और अब खली का सपना इंडिया में ऐसे पहलवान तैयार करना है जो WWE में जाकर नाम कमा सके। पहले भी उनके अंडर में ट्रेनिंग कर चुके रेसलर WWE में जा चुके हैं और इसके साथ ही उन्होंने इंडिया में WWE के भविष्य पर भी बात की। उसके बाद कई बंदे मतलब डिप्रेस में चले गए, कई बंदे डिप्रेस में हुए कि भी मतलब ऐसे ग्रेट खली ने पहली बार डेब्यू पे जो अंडरटेकर को मतलब ऐसे हराया है, और बड़े लोगों को ये लगा कि यार मतलब अब हमारी भी बारी आनी है मतलब, तो आधे लोग तो छोड़ के रेसलिंग को छोड़ के चले गए, और कुछ लोग जो मतलब कमेंट करते थे कि भी यार मतलब आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपने किसके छाती पे पैर रखा है, तो आपको तो बहुत लकी और बहुत आपने मतलब एक बड़ा काम किया है, और अंडरटेकर की कथा हराना एक अलग बात है, और उसके ऊपर छाती पे पैर रखना और आपने कहता हो जो पोज करना बहुत मायने रखता है कहता, तो मतलब जैसे बोलता है ना कि सब लोग अपने अपने मत्थे पे हाथ रख रहे हैं और बहुत सारे लोग डिप्रेस पे चले गए। जो WWE है उसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है इसका, क्योंकि सबसे प्लस पॉइंट हिंदुस्तान में है कि जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, और हिंदुस्तान के मार्केट पे पूरे वर्ल्ड की एक नज़र है। आप देखिए अगर जैसे WWE का जो पूरा फोकस है वो हिंदुस्तान में है, जितना उनका टीवी पूरे यूरोप पे देखते हैं उससे ज़्यादा हिंदुस्तान पे देखते हैं उनका, तो यहाँ पर बहुत बड़ा एज ए ब्राइट फ्यूचर है यहाँ पर। अभी बहुत सारे लड़के हैं जो WWE में गए हैं, अभी जैसे कविता है और शेंकी है, सुखी है, लक्ष्मी है, और दूसरे डैरल शर्मा है, ऐसे ऐसे मतलब 10-12 लड़के हैं जो यहाँ से CWE में सीख के और अपना जो एक अब दबदबा इन्होंने जो WWE में बनाया है, और बहुत प्राउड होता है कि मेरे बच्चे WWE में इस टाइम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम बहुत लंबे समय से हमारे मन पे एक प्लान था कि भी हिंदुस्तान के लिए हरियाणा के लिए एकेडमी खोली है जो थोड़ी और सेंट्रल में पड़े, तो और उसके लिए ये कि भी कुछ स्टेट है जो एक सपोर्ट करती है स्पोर्ट्स की, तो उसको देख के मैंने यहाँ पर ये चुना है ताकि मान लो हरियाणा के जो नौजवान हैं वो ताकि और रेसलिंग पे और स्पोर्ट्स पे आ गया है।